गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो सुबह सुबह ही मेरी अभी तक छुट्टी नहीं लगी। हाँ, वो आ जाएगा मैसेज तो आया है कि बड़े बढ़ रही हैं छुट्टियां बच्चों की। और इतनी ज्यादा धुन मचे रात में, इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे जाएगा ये, बट बढ़ रही है। और यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, वो दिखा दूं मैं पहले आपको। तो ये नाश्ते के लिए घोल बना दिया है, चिल्ले बनेंगे इसके मोटे वाले, मतलब खांडवी टाइप। गाजर यहाँ पे भिगो के तो मैं ही गई थी मिट्टी निकालने के लिए, और मम्मी ने छील के रख दी, तो इसका मैं थोड़ा सा हलवा बनाने वाली हूँ। दूध आ गया इधर, ये दूध बॉयल हो रहा है मुनक्का और अंजीर के साथ, जो कि मैं लेने वाली हूँ। और यहाँ पे तवा चढ़ चुका है, तो बच्चों का बनेगा नाश्ता। और बच्चे देखो यहाँ पे, इनको अलग ही चूल मची हुई है। क्या चाहिए? उधर उधर उधर, इसमें आ नहीं रहा है तो। हाँ, अब देख लो इसका एक टांग का डांस एक टांग वाला डांस बस बस बहुत हो गया बस। तो इसका मैसेज नहीं आया, न्यूज़पेपर में ही आई है अभी, इसका मैसेज नहीं आया, इसलिए बोला कि छुट्टी आएंगे तब इससे ज्यादा डांस करूंगा मैं। ठीक है, आ जाएगा। चलो अब बना लेते हैं फटाफट से इस पे गर्मा गर्म मोटे वाले चिल्ले। देखो थोड़ा सा तेल डाल के उस पे राई मैंने डाल दी थी, और उस पे मोटा सा ये खांडवी टाइप मैं बना रही हूँ, तो मोटा सा चिल्ला फैला दिया है। और जब तक इसको एकदम लो फ्लेम पे पकाऊंगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो तब तक ये पकेगा, तब तक मैं ये गाजर ग्रेट कर लेती हूँ। और मेरा दूध भी यहाँ पे बॉयल हो रहा है, इसको भी अच्छे से बॉयल करेंगे और इसको हम ग्रेट कर लेते हैं तब तक। तो गाइज यहाँ पे देखिए गाजर मैंने चढ़ा दिया कस के, और इसका पानी पहले थोड़ा सा रिड्यूस करूंगी। इधर एक लीटर दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, इधर दूध गर्म होता रहेगा, और इधर यहाँ पे जो गाजर है उसका भी पानी रिड्यूस होता रहेगा। और उसके बाद मैं ये गर्म दूध जो है गाजर में डाल दूंगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी। तो यही है गाजर का हलवा बनाने की प्रोसेस। तो अभी इसको अच्छे से चला के इसका पानी जो है वो रिड्यूस करेंगे, तो इस तरीके से। निचोड़ के नहीं डालना है, निचोड़ के मत डालना, वरना जो मिठास है गाजर की वो पूरी निकल जाएगी। कहीं आप सोचोगे ऐसे ही तो हम इसको निचोड़ कर फिर डालें तो पानी जो है वो कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जो गाजर की मिठास है ना वो पूरा उसके जूस में निकल जाएगी। तो उससे आपको और ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, तो कम चीनी खाना चाहते हो ना तो गाजर की जो खुद की मिठास है ना वो उसमें रहने दें। तो अच्छे से इसको पका लेंगे पहले। गाजर का जो पानी है वो रिड्यूस हो चुका है, तो ये जो दूध है हम इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, अब इस दूध में इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। और यहाँ पे ना मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं, जिसमें है काजू बादाम एंड किशमिश। तो इनको ना बारीक बारीक टुकड़ा कर लेना है, चॉप कर लेना है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए एकदम बारीक बारीक मैंने ऐसे चॉप कर लिए हैं। अब इनको लास्ट में घी में फ्राई करके मैं डालूंगी। अभी यहाँ पे हमारा जो दूध है वो रिड्यूस होगा अच्छे से पूरा पक पक के, और उसके बाद हम इसमें जो भी प्रोसेस होगी वो बाद में करेंगे। तो अब तब तक इसको पकने देंगे आराम से। तो दूध जब पक रहा है ना, इसके साथ ही मैं ये थोड़ी सी मलाई मैंने सुबह के दूध से निकाली थी वो भी इसमें ऐड कर दूं, अगर ये निकल जाए तो, चिपक ही गई है। तो ये थोड़ी सी मलाई इसके अंदर जाएगी तो और भी अच्छा मावा वाला इफ़ेक्ट देगी ये, है ना। तो बस इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं और पकता रहे। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, पकने देंगे इसको आराम से। ये देखिए जो दूध है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। तो और यहाँ पे मैंने घी में डाल दिया है ड्राई फ्रूट। गैस की तरफ अभी ध्यान ना दें, क्योंकि अभी अभी खाना बना है, तो पूरा किचन जो है वो पूरा फैला हुआ है, बट बाद में समेटेंगे इसको, पहले जो काम है वो ख़त्म कर लें। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो हैं अच्छे से भून लेंगे,
भून के फिर डालेंगे हलवे के अंदर। तो अभी देखो ऑलमोस्ट ये हो गया है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ एक बार, ये दीजिए, और ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे हलवे के ऊपर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और घी के साथ भी हलवे को भूनेंगे, तो थोड़ा सा मैं घी और इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा घी और ऐड करेंगे। और अभी इसको अच्छे से घी में भूनना है, घी से ना बहुत अच्छी इसमें शाइन आती है और काफ़ी रिच हो जाता है हमारा हलवा। तो अच्छे से भून लेती हूँ इसको आराम से 10 मिनट, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कैसा हो जाता है ये हलवा। तो देखिए घी जो है हलवे ने छोड़ दिया है और काफ़ी अच्छी इस पर एक शाइन आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी और अच्छे से मिला के इसको कुक करेंगे। चीनी की पहले चाशनी बनेगी, फिर इसको वापस उतना ही गाढ़ा कर लेना है। तो देखो जैसे जैसे चीनी पिघल रही है ना, हलवा एकदम थोड़ा ढीला ढीला सा होता जा रहा है, लेकिन इसे हमें अच्छे से पकाना है क्योंकि ये चाशनी भी पकनी चाहिए। तो अच्छे से इसको भूनना है चीनी के साथ भी। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसमें कलर आया है, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल देती हूँ और साथ के साथ ही इसको थोड़ा और भूनते जाती हूँ ताकि जो इलायची का जो अच्छी खुशबू एंड फ्लेवर है ना हमारे हलवे में आ जाए। तो इलायची के साथ ही इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और फिर हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए गैस कर देंगे बंद और हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब बस भोग लगाएंगे कान्हा जी को, कान्हा जी को भोग लगाएंगे और फिर खा लेंगे। तो टेस्टी टेस्टी हलवा आप भी बनाओ सर्दियों में और एंजॉय करो। अरे मैं तो वीडियो बनाने लगी कि अर्णव बना रहा है मैगी और अर्णव तो गिरने में लगा हुआ है। अपने लिए मैगी बना रहा है वो, और यहाँ पे बन गया है मेरा हलवा। गाइस मैंने बनाया गाजर का हलवा जिसका रिव्यू देने वाला है अर्णव। अर्णव खा के बताएगा कैसा बना। मैं सब चीज़ का रिव्यू दे। हाँ तो ये सब चीज़ का रिव्यू देता है। कैसा है ये, क्या होता है? बहुत टेस्टी है। हाँ? क्या कर लो? क्या टेस्टी तो क्यों नहीं भरेगा, एक बाइट से थोड़े ना भरता है, टेस्टी लगा है तो दूसरी बाइट तो बनती ही है। ओके बाय बाय। तो गाइज यहाँ पे चल चुकी है सीरीज, और ये हमने नेट लगा लिया है किसी और से, पता नहीं कौन नेट। और यहाँ पे देखो कैंडिडेट जो हैं वो बैठ गए हैं मूवी नाइट करने के लिए। पे दूध पी लो मेरे को नहीं, प्लीज आप दूध पी लो मेरे को नहीं। दूध तो बेटे तेरे को ही पीना पड़ेगा, जल्दी से फिनिश कर दे पी पा के। तो बस अब थोड़ा सा मूवी नाइट करेंगे बच्चों के साथ और फिर सो जाएंगे। तो आज का ये व्लॉग आई होप आपको पसंद आया हो, थोड़ा बहुत ही बना, जैसा भी बना आपको पसंद आया हो अगर तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ फिर से एक बात याद रखना, कमेंट्स कम और सब्सक्राइब ज्यादा। ओए होए बाय बाय।